वीरभूम से, बोलपुर से मेरा आत्मीय और गहरा रिश्ता हो जाता है। साथियों, आज मैं यहां अलग ही मिजाज देख रहा हूं। जितने लोग यहां है ना, उससे चार गुना ज्यादा लोग हेलीपैड पर थे। मैं वहां चारों तरफ जाकर के सबको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास किया और अब आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। साल 2014 में आपने मोदी को सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं चुना था, प्रधानमंत्री पद पर रौब जमाने के लिए नहीं चुना था, आपने मुझे देश के लिए बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चुना था। जरा आप जो फोटो लेके आई है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा उनसे वो फोटो ले लीजिए और आप पीछे अपना एड्रेस ले लीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिख दूंगा। आपने बढ़िया फोटो लेके आई है, मैं आपका आभारी हूं। वो दे दीजिए, मेरी टीम ले लेगी। आप अपना उस पर एड्रेस लिख लेना ताकि मैं चिट्ठी भेजूंगा आपको। हाँ ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, परमात्मा के आशीर्वाद बने रहे आप पर जी। साथियों, बीते 10 साल मोदी ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की है। मैंने अपने समय का पल पल आपकी सेवा में, देश की सेवा में पूरे कर्तव्य भाव से, पूरी नम्रता से मैंने समर्पित किया है। इसलिए आज देश ने वो उपलब्धियां भी हासिल की है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई थी। ये जो छोटा बालक एक तस्वीर लेके आया है, बेटे थोड़ा आगे आ जा, वो ले लेगा। वो तस्वीर उनसे ले लीजिए, वो छोटे बालक से आप बैठिए, बड़े बड़े बाबू बैठे जरा। ये छोटा बालक इतने प्यार से आशीर्वाद लेके आया है। हाँ, वो थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब ये कागज ऊपर करने वाले नीचे बैठ जाओ, मेहरबानी करके आप रख दो नीचे, आप रख दो नीचे। हो गया भाई, अब मुझे इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। आप वो तस्वीर नीचे रखो, मैं आपके प्यार के लिए आपका आभारी हूं। नीचे रखो, मैं आपको कह रहा हूं, नीचे रखो। साथियों, ये तो युवा सपनों को दिशा देने वाली नगरी है। मोदी ने ठाना है नए भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। मोदी ने ठाना है नए भारत की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता युक्त हो। मोदी ने ठाना है
देश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा संस्थान खुले। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटके, उनके लिए सीटों की कमी हो। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछली शताब्दी की सोच पर चलने वाला इंडी गठबंधन क्या कभी भविष्य के लिए सोच भी सकता है क्या? क्या कभी ऐसा कर भी सकता है क्या? ये लोग तो 3 दशक तक नई एजुकेशन पॉलिसी तक नहीं ला पाए। ये काम 2014 में देश में सिर्फ 9 IIIT थी, 9 IIIT, आज 25 है। ये सब मोदी किसके लिए कर रहा है? आपके नौजवान बेटे बेटियों के लिए, आपके भविष्य के लिए। क्यों हमारे बच्चे विदेशों पर आश्रित हो? क्यों आपकी मेहनत की कमाई उसका बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में चला जाए? साथियों, 2014 में ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सिर्फ 4-5 इंस्टीट्यूट्स ही आते थे। इस वर्ष करीब 70 संस्थान टॉप 400 में है, 70 in 400, और कई तो टॉप 50 में भी आ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की संख्या भी 75 से बढ़कर 150 के आसपास हो गई है। साथियों, ये काम मोदी ने सिर्फ 10 साल में करके दिखाए हैं, और ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो मुझे बहुत काम करना है। एटा तो शुद्ध ट्रेलर, एखन तो अनेक किछु कोरा बाकी। इसलिए ही मैं आपसे तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, और इसलिए हर समय देश को आगे बढ़ाने में जुटा हूं। देश के लोगों ने 2004 में इंडी गठबंधन को भी मौका दिया था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इंडी गठबंधन ने अपने 10 साल में लाखों करोड़ रुपए घोटाला, करप्शन। जब देश को टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ाना था, इन लोगों ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश को अपनी सेनाएं मजबूत करनी थी, इन लोगों ने पनडुब्बी, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। जब देश को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाना था,
इन लोगों ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। यहां टीएमसी भी यही कर रही है। टीएमसी के नेताओं ने यहां हर तरह के घोटाले करने का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे ऐसे घोटाले जो कोई सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा नोटों के ढेर, चोरी का माल और बैंक के मशीन नोटों के ढेर गिनते गिनते थक जाते हैं। पोंजी स्कीम घोटाला, राशन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, पशु तस्करी घोटाला और हर घोटाला मामूली नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला। इन लोगों ने हर तरह से आपको लूटा है, आपके जेब काटे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के सामने खाई बना दी है, खाई। साथियों, बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला तो टीएमसी नेताओं के चरित्र को उजागर करता है। मैं जरा एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने कश्मीर के कुछ नेताओं को एक बार बुलाया था। घाटी के 100 के करीब गांवों के लोगों को बुलाया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर बुलाया था। मैंने कहा मैं एक काम के लिए आपकी मदद चाहता हूं। आतंकवाद जोरों पर था, गांव गांव में स्कूलें जलाते थे। मैंने उनको बुला करके कहा कि मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा मैं आतंकवाद से लड़ लूंगा, मैं आतंकवाद को जमीन पर से उखाड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा ये गांव में ये आतंकवादी स्कूल जलाते हैं, मुझे मदद कीजिए, अब एक भी स्कूल जलना नहीं चाहिए। मैंने कहा जब वो स्कूल जलाते हैं तब एक इमारत नहीं जलाते, एक मकान नहीं जलाते, वो आपके गांव के बच्चों का भविष्य जला देते हैं। और आप भाई बहन मुझे आशीर्वाद देंगे, कश्मीर के वो लोग, और ये बात मैं करीब 7-8 साल पहले की करता हूं, तब तो मेरे सामने सवाल या निशान थे, लेकिन उन सभी नेताओं ने मुझे कहा कि साहब काम कठिन है, लेकिन हम आपकी भावना को समझते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि कश्मीर के गांवों में स्कूलों को जलाना बंद हो गया। बच्चों के भविष्य को वो समझे, लेकिन ये टीएमसी देखिए बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है और शिक्षक भर्ती में घोटाला करके आपके बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। 25,000 शिक्षक आज अदालत ने उनको घर भेज दिया। वो शिक्षक तो गए सो गए, आपके बच्चों के भविष्य पर ये भ्रष्टाचारियों ने ताला लगा दिया है। जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्या ऐसे टीएमसी को माफ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या उनको सजा दोगे? इस बार कमल को वोट देकर के उनको सजा दीजिए। भाइयों बहनों, टीएमसी भ्रष्टाचार की दुकान खोल करके बैठी है।
या हाईकोर्ट के आदेश पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई शुरू होते ही टीएमसी के नेताओं के घरों से करोड़ों रुपये मिलने लगे हैं। एक टीएमसी वालों के यहां से जो पैसे मिलते हैं वो पैसे किसके हैं भाई, किसके पैसे हैं? ये आपके है कि नहीं है? आपकी मालिकी के है कि नहीं? कि आपके घर में कोई चोरी कर जाए आप चोर को माफ करोगे क्या? करोगे क्या? आपके बंगाल में चोरी कर ले माफ करोगे क्या? ये पैसे बंगाल की जनता के हैं। चर्चा है एक एक पद के लिए चार चार पांच पांच छह छह लाख रुपए की रिश्वत ली है। पैसे लेकर के ओएमआर सीट तक बदल रहे थे। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया है। आप मुझे बताइए इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबके सब मुझे बताइए सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? कौन सजा दिलवा सकता है इनको? सजा कौन दिलवा सकता है इनको? सजा कौन दिलवा सकता है? मोदी तब दिलवा सकता है जब आपके सबके वोट मिलेंगे, तब मुझे ताकत मिलेगी। साथियों, मैंने बंगाल बीजेपी के लोगों से कहा है कि एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए। मैंने यह बंगाल बीजेपी को कहा है, एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताइए। इससे उन युवाओं की मदद होगी जो इस घोटाले के शिकार हुए हैं, निर्दोष हैं, वो अपने मेरिट पे शिक्षक बने हैं। मैं आज बंगाल के युवाओं को गारंटी देता हूं, जिसने हमारे बंगाल के युवाओं को रुलाया है उन्हें मोदी चैन से नहीं बैठने देगा। बेटी बेटी आप थक जाओगी, मुझे तुम पर दया आ रही है भाई। ये बेटी एक फोटो लेके आई है और कब से आप मेहरबानी करके बंद कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। इस बच्ची को उनकी फोटो ले लीजिए, बेचारी आधे घंटे से खड़ी है जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुश खुश, आर यू हैप्पी? शाबाश, बैठिए बैठिए। साथियों, ये जिनको जिन्होंने आपको लूटा है ना, मोदी उनको छोड़ेगा नहीं। भ्रष्टाचारी देर के छार बोना, ये था मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस, इन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, तब बहुत सारे हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी दूसरी तरफ रह गए थे। उनके साथ वायदा किया गया था कि भारत उनकी रक्षा करेगा, लेकिन ये वादा करके कांग्रेस उन लोगों को भूल गई। उनके साथ सीमा पार
अत्याचार होता रहा, वो खत्म होने की कगार पर आ गए। आज सीएए के माध्यम से मोदी कांग्रेस सरकारों को उस गलती को सुधार रहा है और ये लोग अपनी गलती मानने के बजाय झूठ फैला रहे हैं। मैं हर शरणार्थी परिवार को कहूंगा, टीएमसी के झूठ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। साथियों, टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस के इंडी अलायंस की नीयत देश को तबाह करने की है। बीते तीन चार महीने में कितने ही उदाहरण सामने आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष राम भक्तों और शिव भक्तों को लड़ाने में जुटे हैं। कांग्रेस के शहजादे शक्ति का विनाश करने में जुटे हैं। ये सारे मिलकर संविधान की भावना को तार तार करने में जुटे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं ताकि एससी एसटी ओबीसी के हक का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट दें। कांग्रेस का घोषणा पर तो ये तक कहता है कि सरकारी टेंडर में भी माइनॉरिटी को कोटा देंगे। और मैं उनको घेर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। 10 दिन हो गए, मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। मैंने कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को 3 चुनौतियां दी है। मैंने कहा है कि कांग्रेस लिख करके दे, वो संविधान नहीं बदलेगी, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगी, ओबीसी कोटा कम नहीं करेंगी। लेकिन इन चुनौतियों का आज तक जवाब नहीं आया। मैं जवाब नहीं देने, और मुझे मालूम है वो जवाब नहीं देंगे, इनकी नीयत में खोट है। साथियों, यहां बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपको कांग्रेस के इरादों से जरूर परिचित रहना है। कांग्रेस के शहजादे एक्सरे मशीन लेकर आए हैं, कहते हैं आपके पास जो ही घर दुकान खेत सोना चांदी मंगलसूत्र जो भी है उसकी जांच कराएंगे और जांच के बाद ज्यादा है ले लेंगे और उसका एक हिस्सा अपनी वोट बैंक को बांट देंगे। क्या आपकी संपत्ति जाने देंगे क्या? आपका सोना चांदी जाने देंगे क्या? आपका घर जाने देंगे क्या? आपका खेत जाने देंगे क्या? इसलिए कांग्रेस से सावधान रहो, टीएमसी से सावधान रहो, लेफ्ट वालों से सावधान रहो। साथियों, कुछ ही दिनों में पोची से बैशाख के दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती है और आज से जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना था तो उस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की जन्म जयंती पर यहां आया था और बंगाल में आकर के मैंने सामाजिक सुरक्षा की योजना लॉन्च की थी। 90 पैसे में इंश्योरेंस, ये योजना लॉन्च की थी मैंने और आज देश के करोड़ों गरीबों को इसका लाभ हो रहा है। मैं बोलपुर के इस मंच से गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं जब भी बंगाल आता हूं कई सवाल मेरे मन में चलते हैं। आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, क्या ऐसी ही बंगाल की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? बीते अनेक दशकों में जैसी खूनी राजनीति भ्रष्ट राजनीति यहां चली है वो देखकर हमारे पूर्वज क्या सोचते होंगे। गुरुदेव की इस धरती पर टीएमसी ने असामाजिक तत्वों को, लोगों का शोषण करने की खुली छूट दे रखी है। गांवों पर टीएमसी का कब्जा, अस्पतालों पर टीएमसी का कब्जा,
थानों पर टीएमसी का कब्जा, खदानों पर टीएमसी का कब्जा, ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसे गिरोह की तरह काम करती है क्या, माफिया चलाती है क्या? ये संदेश खाली में बहनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो ऐसे ही माफिया राज का परिणाम है। ऐसे न जाने कितने संदेश खाली यहां अभी भी दबे पड़े हैं। जब जांच एजेंसियां अपना काम करने आती हैं तो उन पर हमले हो किए जाते हैं और सरकार के लोग हमलावरों का साथ देते हैं। बंगाल में टीएमसी भीड़ तंत्र चला रही है, गणतंत्र की उसने कब्र खोद रही है। आए दिन कोर्ट को छोटी छोटी बातों के लिए यहां सरकार को फटकार लगानी पड़ती है। देश को लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध चलने वाले ऐसे कारनामों पर लगाम लगानी जरूरी है और इसके लिए आपको मोदी को मजबूत करना है। भाई और बहनों, बीजेपी को दिया गया हर एक वोट टीएमसी के शोषण के खिलाफ दिया वोट होने वाला है। बीजेपी को दिया हर एक वोट बंगाल की शांति के लिए दिया वोट होगा। आपको बोलपुर से हमारी छोटी बहन पिया साहा को और बीरभूम से भाई देव तनु भट्टाचार्य जी को संसद में भेजना है, मेरे साथी के रूप में भेजना है। आपका एक एक वोट, जब आप इनको वोट देंगे ना, वो सीधा सीधा मोदी को पहुंचेगा, मोदी की ताकत बढ़ाएगा। अब मेरा एक और काम है, करेंगे, मेरा एक और काम करेंगे, सबके सब करेंगे। घर घर जाइएगा और सबको कहिएगा अपने मोदी जी आए थे, आप सबको नमस्कार कहा है, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा, कहा जो भी पैसे यहां भ्रष्टाचार में आपसे लिए गए हैं हम उसे वापस आपको देंगे, ये वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां किया गया। टीएमसी की सरकार पर संदेश खाली से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दे को लेकर पीएम ने यहां हमला बोला।